संसदीय लोकतंत्र में दो सदनों की व्यवस्था और भारतीय संसद में ऊपरी सदन यानी राज्यसभा की भूमिका आखिर किन मायनों में महत्वपूर्ण है और समय की मांग क्या किसी बदलाव की है, यही सवाल विवेकानंद फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस परिचर्चा में भी था, जहां कई वर्तमान और पूर्व सांसदों के साथ संविधान विशेषज्ञों ने अपने विचार रखे। परिचर्चा ने इस बात की पुरजोर वकालत की कि संसद में राज्यसभा की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण तो है, लेकिन इसके मौजूदा कार्यप्रणाली में बदलाव की भी जरूरत है। इस गोलमेज सम्मेलन में शिरकत करते हुए लोकसभा में बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि राज्यसभा में सांसद अपनी राज्य की समस्याओं की चर्चा कम करते नजर आते हैं। उनकी इस राय से कई सांसद भी सहमत नजर आए। जो संविधान में सोचा गया था उसके अनुसार कुछ काम हो रहे हैं, कुछ काम नहीं हुए। जैसे यह राज्यों की परिषद के रूप में काम करेगी, यह नहीं हो रहा है। जिस तरह से वरिष्ठ विद्वान लोग आने चाहिए वो नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए राज्यसभा में सुधार की भी आवश्यकता है, उसके नियमों में सुधार की भी आवश्यकता है। और जो जिस तरह से कार्यवाही चलती है उसमें बाधा नहीं होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए। परिचर्चा के दौरान जहां सांसदों ने राज्यसभा सांसदों और राजनीतिक दलों को सदन के कामकाज को लेकर अधिक जिम्मेदार होने की जरूरत बताई, वहीं लोकसभा के पूर्व सेक्रेटरी जनरल सुभाष कश्यप ने राज्य के बाहर के लोगों की राज्यसभा में नुमाइंदगी के बढ़ते चलन पर चिंता जाहिर की। जो इसका मंशा थी दो सदन रखने की, वो पूरी नहीं हो रही है। वो पूरी हो ऐसा कुछ करना चाहिए। जो राज्यसभा है वो राज्यों की सभा है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन करने का उनका काम है। अब कोई कहीं से भी खड़ा हो सकता है, उस राज्य में कभी रहा नहीं, उस राज्य के लोगों को नहीं जानता, जनता को नहीं जानता, वहाँ की संस्कृति को नहीं जानता, अब वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव होकर आ जाता है और ऊंचे से ऊंचे पद तक भी पहुँच जाता है। उधर निर्दलीय सांसद राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि गैर राजनीतिक दलों के सांसदों को राज्यसभा में अपना पूरा योगदान देने का कम मौका मिलता है, जबकि राज्यसभा में बीजेपी के पूर्व सांसद तरुण विजय संसद की कार्रवाई में हंगामे के चलते विधायी कामकाज को लेकर तेज प्रगति न हो पाने पर चिंता जताई। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए बहुत आवश्यक है कि राज्यसभा जैसा एक हाउस रहे जो लोकसभा के बिल्स को अच्छे ढंग से उसका अध्ययन करके और जल्दबाजी के बजाय शांति से उसको कर सके। और राज्यसभा ने बहुत बड़े रोल अदा किए हैं और कंसेंसस के साथ किए हैं, लेकिन दिक्कत तब आती है जब जैसे मानसून सेशन में 17 दिन के सेशन में 82 घंटे शोर में चले गए, तो कुछ उसमें सुधार लाने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री किशोर चंद्र देव, बीजेडी के लोकसभा सदस्य बृहदहरि महताब, कांग्रेस से राजीव गौड़ा और बीजेपी सांसद शिव कुमार उदासी ने हिस्सा लिया। इस महत्वपूर्ण विषय पर प्रसार भारती अध्यक्ष ने भी अपनी राय रखी। लोकसभा चुनाव में जो एक नतीजे आपके सामने आते हैं, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को लोग जनादेश मिलता है, लेकिन राज्यसभा में उस पार्टी को बहुमत नहीं होता, तो इसकी वजह से क्या इसकी वजह से गवर्नेंस किसी तरीके से गवर्नेंस का कुछ अफेक्ट होता है क्या? ये एक विचार आज डिस्कशन में आया था, लेकिन सब एमपीज ये कह रहे थे कि ऐसे नहीं है, दोनों सदन बहुत अच्छी तरीके से ये कानून बनाने का जो जिम्मेदारी है बहुत अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। चर्चा के दौरान ये मामला भी सामने आया कि क्या राज्यसभा में सांसदों के चुनकर आने की प्रक्रिया में कोई सामायिक बदलाव हो सकता है। वहीं कई लोगों ने राज्यसभा के सांसदों के कार्यकाल को भी लोकसभा की तरह 5 साल करने के पक्ष में अपनी राय रखी। इसके साथ ही इस बात पर भी जोर दिया गया कि राज्यसभा में चुनकर आए सांसदों और राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है कि वो संसद के कामकाज को बेहतर बनाने में अपना सहयोग दें। शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, DD News, दिल्ली।